सवाल इस बात का है कि पाक अधिकृत कश्मीर, जो कि आतंकवादियों का गढ़ है, उसे भारत अपने कब्जे में क्यों नहीं ले लेता। पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके कहा जाता है, यह इलाका पूरी तरह से आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है और यहीं पर उनके ट्रेनिंग कैंप भी चलते हैं। पाकिस्तान की सेना भी आतंकवादियों को यहीं पर ट्रेनिंग के साथ साथ हथियार भी उपलब्ध कराती है। कुल मिलाकर भारत के लिए पीओके सबसे बड़ा सरदर्द वाला इलाका है, जहां से आतंकवादियों की खेप तैयार होती है और फिर वह हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं। पीओके की कहानी भी बेहद चौंकाने वाली है। कुल मिलाकर जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो कश्मीर के राजा हरि सिंह यह तय नहीं कर पाए कि उन्हें भारत में रहना है या फिर पाकिस्तान में। इसी बीच पाकिस्तान की सेना द्वारा कश्मीर पर हमला कर दिया गया। कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तानी सेना ने जो कब्जा किया, उसे लेकर राजा हरि सिंह घबरा गए। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संधि करके कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा कर दी। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की सेना एक बड़े हिस्से तक आगे बढ़ चुकी थी। कश्मीर के भारत में विलय होने की घोषणा होते ही भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम करते हुए यह कहा कि पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर चला गया है, उसे लेकर हम संयुक्त राष्ट्र में अपील करेंगे। और बाद में यह मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा भी और वहां पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा तात्कालिक रूप से यह कहा गया कि दोनों के जहां जहां पर कब्जे हैं, वहीं तक उनकी सेना रहेगी। और कुल मिलाकर यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद आज तक इसका निराकरण नहीं हो सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि पीओके की जनता पाकिस्तान को अपना देश मानती है और भारत में भी इस मामले को लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव दिखा। कुल मिलाकर उसके बाद पाकिस्तान के लिए पीओके में आतंकवादी गतिविधियां चलाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भी यह इलाका बेहद सुरक्षित माना जाता है। हाल ही में जब भारत के 44 जवान शहीद हुए, तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी सेना को यह छूट दी कि वह अपने अनुसार कार्रवाई करे। 26 फरवरी को सुबह भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप पर 1000 पाउंड के बमों से हमला कर दिया। इसके अलावा हमला चिकोटे में भी किया गया, जो उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा से 4 किलोमीटर दूर है, और नियंत्रण रेखा से 50 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद में भी हमला किया गया। कुल मिलाकर यह कहा जाता है कि 1000 पाउंड के बम बहुत विनाशकारी होते हैं और इससे निश्चित रूप से आतंकवादी कैंप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसे पाकिस्तान की सरकार अभी तक बता नहीं रही कि यहाँ पर कुल मिलाकर कितने लोग मारे गए। अब सवाल यह भी उठता है कि भारत द्वारा हवाई हमला क्यों किया गया। भारत चाहता तो पाकिस्तान से भूमि पर भी युद्ध लड़ सकता था, लेकिन ऐसा करने पर कई अंतर्राष्ट्रीय दबावों का उसे सामना करना पड़ता। इसलिए जवाबी कार्रवाई के लिए यही तय किया गया कि वायुसेना के विमान निश्चित टारगेट तक बमबारी करके वापस लौटकर आ जाए। ठीक ऐसा ही अमेरिका में ने भी किया था, जिसमें पाकिस्तान में रह रहे ओसामा बिन लादेन को एक विशेष अभियान के तहत धराशायी कर दिया गया था। इसमें एक और उल्लेखनीय बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने उन्हीं ठिकानों को अपना निशाना बनाया जहां पर आतंकी बड़ी संख्या में मौजूद थे, और पाकिस्तानी सेना के किसी भी स्थान पर वायुसेना ने कोई कार्रवाई नहीं की। भारत की सैन्य कार्रवाई का पाकिस्तान में कड़ा विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी संसद में तो इमरान खान के खिलाफ शेम शेम के नारे भी लगाए गए, और पाकिस्तान के कई मंत्रियों ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इस हमले का जवाब देगा। यह सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान अब क्या कर सकता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है यदि भारत से उसका युद्ध हुआ तो वह युद्ध में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देकर भारत में माहौल खराब करता है और आए दिन समस्याएं खड़ी करता रहता है। एक और बात यह भी कही जा रही है कि इन सब स्थितियों को देखते हुए पीओके, जो कि भारत का ही हिस्सा रहा है, उस पर भारत फिर से कब्जा क्यों नहीं कर लेता। इसके पीछे हमारे विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत के लिए तुरंत ऐसा करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि चीन ने पीओके को अपने आवागमन का रास्ता बना रखा है, और ऐसी स्थिति में चीन पाकिस्तान के पक्ष में निश्चित रूप से दखल देगा और एक बड़ा मामला सामने आ सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी भारत के सामने आ सकते हैं, और संयुक्त राष्ट्र भी कह सकता है कि यथास्थिति का उल्लंघन कैसे हुआ। कुल मिलाकर पीओके की कहानी यही है, और देखने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के बेहद शक्तिशाली प्रधानमंत्री माने जाते हैं, वे पीओके को भारत में वापस लेने के लिए कोई योजना को अंजाम दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है
तो हमेशा के लिए पीओके में आतंकवादी अड्डों को समाप्त किया जा सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।